नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स में। मैं हूं मयंक। और काउंटी क्रिकेट में एक बड़ी विचित्र घटना घटी है, जब एक बल्लेबाज जिनका नाम लुइस किम्बर है, वो ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के चलते आउट हुए। जी हां, आपको बता दूं कि आईसीसी के जो क्रिकेटिंग लॉज है उसके रूल नंबर 37.1.2 ये साफ कहता है कि अगर कोई बल्लेबाज अपने हाथ का प्रयोग करता है या फिर किसी भी तरह से अपने बॉडी के प्रयोग से बॉल को डेलिब्रेटली रोकता है स्टंप पर लगने के लिए, या फिर किसी फील्डर को लगता है जिनके पास कैच आ रहा हो, तो उस केस में बैट्समैन को आउट दिया जाएगा ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के तहत। तो लुइस किम्बर जब बल्लेबाजी कर रहे थे, उनके तरफ गेंद आई, ऑफ स्पिनर गेंदबाजी कर रहा था और एक गेंद फेंकी गई और उन्होंने डिफेंस किया और बॉल जो है वो जंप होके थोड़ी सी उछली और उन्होंने अपना जिस हाथ पे उन्होंने बल्ला नहीं पकड़ा था उस हाथ से उन्होंने बॉल को हैंडल किया, जिसके बाद अंपायर्स पर अपील की गई प्लेयर्स द्वारा और अंपायर्स ने उसके बाद एक हडल बनाया और निर्णय लिया कि ये खिलाड़ी आउट है, क्योंकि अगर उन्होंने हाथ नहीं लगाया होता था तो मौका बन सकता था और वहां पर बॉल जो है वो स्टंप पर जाके लग सकती थी। और इस बेसिस पर लुइस किम्बर को आउट दिया गया है ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के तहत। आपको बता दूं कि कुछ बहुत नामी खिलाड़ी भी हैं जो इस तरह से आउट हो चुके हैं। जी हां, 1980 के दशक में अहमदाबाद में एक मुकाबला खेला गया था जहां मोहिंदर अमरनाथ भी इसी तरह से आउट हुए थे। और आपको बता दूं कि इस लिस्ट में रमीज राजा, इंजमाम उल हक का भी नाम शामिल है। और अभी सबसे रिसेंट अगर मैं एडिशन की बात करूं इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो बेन स्टोक्स इस तरह से आउट हो चुके हैं जब एक गेंद पर उन्होंने अपना हाथ लगाकर उसे रोका था और उन्हें ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के तहत आउट दिया गया था। तो ये है कुछ घटनाएं जहां पर एक बल्लेबाज को ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के तहत आउट दिया गया हो, जब जिस हाथ में उन्होंने बल्ला नहीं पकड़ा है उस हाथ से वो बॉल के साथ छेड़छाड़ करते हैं, एक तरह से बॉल को विकेट पर लगने से रोकते हैं या फिर किसी तरह से भी फील्डिंग में एक बाधा डालते हैं, तो ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के तहत बल्लेबाज को आउट दिया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं। और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।